फ्रेंड्स, कबड्डी एक ऐसा गेम है इंडिया के कोने कोने में, इंडिया के गांव गांव में खेला जाता है। कबड्डी को वर्ल्ड फेमस करने का काम प्रो कबड्डी ने किया। जब से प्रो कबड्डी आई है 2014 में प्रो कबड्डी को इंट्रोड्यूस किया गया। प्रो कबड्डी जब से आई है तब से कबड्डी प्लेयर को नाम मिला है, पहचान मिली है, पैसा मिला है। बहुत सारे जो हमारे कबड्डी प्लेयर है वो करोड़पति बन गए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यही बात करेंगे। जो हमारे 9 सीज़न हो गए, तो हर सीज़न में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन सा था जिसको हाईएस्ट पैसे मिले, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर उस सीज़न का, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हर सीज़न के बारे में, हर सीज़न में कौन सा प्लेयर मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मेरे जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, उसका डिटेल आपको मिल जाएगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते सीज़न फर्स्ट से सीज़न 9 तक कौन कबड्डी प्लेयर है जो हाईएस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर था। बात करते प्रो कबड्डी सीज़न 1 की, तो प्रो कबड्डी सीज़न नया नया सीज़न था, फर्स्ट सीज़न था, तो उस सीज़न में बहुत सारे प्लेयर को अच्छे पैसे मिले। लेकिन सबसे जो हाईएस्ट मिले, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे, वो थे राकेश कुमार सर। राकेश कुमार सर रेलवेज के लिए बहुत साल खेल चुके हैं, इंडिया के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेले, कबड्डी वर्ल्ड कप हो गया, एशियन गेम्स हो गया, साउथ एशियन गेम्स हो गया, तो इंडिया के लिए बहुत सारे टूर्नामेंट उन्होंने विन करके दिए थे। 2014 में एशियन गेम्स हुआ था, वो भी इंडिया को विन करके दिया था, तो बहुत अच्छे फॉर्म में थे राकेश कुमार सर। तो राकेश कुमार सर को पटना पायरेट्स ने 12,80,000 में अपने टीम में लिया था। तो सीज़न 1 के जो 2014 में हुआ था, उस सीज़न के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे राकेश कुमार सर। 12,80,000 में पटना पायरेट्स ने उनको अपनी टीम में लिया था। अब हम बात करते हैं प्रो कबड्डी सीज़न 2 की। प्रो कबड्डी सीज़न 1 के सफलता के बाद प्रो कबड्डी सीज़न 2 स्टार्ट हो गया। प्रो कबड्डी सीज़न 2 में तेलुगु टाइटन ने हादी ओस्ट्रोक, जो ईरान के ज़बरदस्त ऑलराउंडर प्लेयर है, उनको 21,01,000 में ख़रीदा, क्योंकि 2014 के एशियन गेम्स में ईरान के लिए बहुत अच्छा उन्होंने खेला था, उनका वही फॉर्म अच्छा था, वो फॉर्म देखकर तेलुगु टाइटन ने उनको अपनी टीम में ले लिया 21,01,000 में। बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, कॉर्नर लगाते प्लस रेड भी अच्छे करते, तो तेलुगु टाइटन ने उनको सीज़न 2 में अपने टीम में ले लिया था। सीज़न 2 के हादी ओस्ट्रोक मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे। सीज़न 3 के बारे में कुछ डिटेल पता नहीं चली कि सीज़न 3 का मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन सा था, कहीं पे भी उसकी डिटेल नहीं मिल रही है, इसलिए वो डिटेल्स डाली नहीं है मैंने। अब हम बात करते हैं सीज़न 4 की। तो सीज़न 4 बहुत ही ज़बरदस्त सीज़न था, और सीज़न 4 के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे मोहित चिल्लर। मोहित चिल्लर की बात करेंगे तो मोहित चिल्लर पहले 2 सीज़न युम्बा के लिए खेले, बहुत ही ज़बरदस्त खेले थे युम्बा के लिए। मोहित चिल्लर राइट कॉर्नर लगाते, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मर है, इंडिया के लिए कबड्डी वर्ल्ड कप खेल चुके, एशियन गेम्स खेल चुके, 2016 के कबड्डी वर्ल्ड कप में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म था मोहित चिल्लर का। उनके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से बेंगलुरु बुल्स ने उनको 53 लाख में सीज़न 4 में अपनी टीम में ले लिया था। तो सीज़न 4 के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे मोहित चिल्लर। अब हम बात करते हैं सीज़न 5 की। तो सीज़न 5 बहुत ही ज़बरदस्त सीज़न था, और सीज़न 5 के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे नितिन तोमर। नितिन तोमर सर्विसेज के लिए खेलते हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, इंडिया के लिए खेल चुके, एशियन गेम्स में, कबड्डी वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए खेल चुके 2016 में, और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने रेड लगाए थे। उनका ज़बरदस्त परफॉर्म एवरी सीज़न था, उसी परफॉर्मेंस के दम पे यूपीएफओ ने उनको 93 लाख में खरीद कर अपनी टीम में लिया था। नितिन तोमर बहुत ही ज़बरदस्त रेडर है, यूपीएफओ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था। तो सीज़न 5 के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे नितिन तोमर। अब हम बात करते हैं सीज़न 6 की। सीज़न 6 भी बहुत ही धमाकेदार सीज़न था। सीज़न 6 के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे मोनू गोएट। मोनू गोएट की बात करेंगे तो सर्विसेज के लिए मोनू गोएट खेलते, इंडिया के लिए खेल चुके दुबई मास्टर्स में, एशियन गेम्स में 2018 के, बहुत ही ज़बरदस्त रेडर है। और उनके रेड की बात करेंगे तो पटना पायरेट्स के लिए उन्होंने 2 सीज़न बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म दिया था। उनके ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से
उनको हरियाणा स्टीलर ने 1,51,00,000 में अपने टीम में लिया था। ये अब तक की बेस्ट अमाउंट थी जो 1 करोड़ के ऊपर चली गई थी। मोनू गोयड बहुत ही पावरफुल रेडर है, सर्विसेज के लिए कंटिन्यू खेलते आ रहे हैं, तो सीजन 6 के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे मोनू गोयड। अब हम बात करते हैं सीजन 7 की, तो सीजन 7 के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे सिद्धार्थ देसाई। सिद्धार्थ देसाई ने सीजन 6 में डेब्यू किया था यू मुंबई के लिए और एज ए डेब्यूटेंट बहुत ही ज़बरदस्त खेले थे। एज ए डेब्यूटेंट बहुत ज़बरदस्त उन्होंने रेड पॉइंट लगाए थे, पावरफुल परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने सीजन 6 में। उसी परफॉर्मेंस की वजह से उनको सीजन 7 में तेलुगु टाइटन ने अपने टीम में लिया था 1,45,00,000 में। तो सीजन 7 के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे सिद्धार्थ देसाई, उनको बाहुबली भी बोलते, बहुत ही ज़बरदस्त रेडर, बहुत ही पावरफुल रेडर सिद्धार्थ देसाई। अब हम बात करते हैं सीजन 8 की, तो सीजन 8 के जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे वो थे प्रदीप नारवाल। प्रदीप नारवाल की बात करेंगे तो प्रो कबड्डी के वन ऑफ द बेस्ट रेडर में से एक है। प्रो कबड्डी में सबसे ज़्यादा रेड पॉइंट्स उनके नाम है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम है, उनको डुबकी किंग भी बोलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेडर है, पटना पायरेट्स को 3 टाइटल दिलाने में उनका ही हाथ था, 3 बार कंटिन्यू चैम्पियन बनाने में प्रदीप नारवाल का बहुत बड़ा हाथ था। उनके ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से सीजन 8 में यूपी योद्धा ने प्रदीप नारवाल को 1,65,00,000 में ख़रीदा। तो सीजन 8 के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है प्रदीप नारवाल। अब हम बात करते हैं सीजन 9 की, तो सीजन 9 बहुत ही ज़बरदस्त सीजन था। सीजन 9 के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे पवन सेहरावत। पवन सेहरावत की बात करेंगे तो पवन सेहरावत कंटिन्यू बेंगलुरु बुल्स के लिए खेलते आ रहे, लेकिन सीजन 9 में उन्होंने बोला कि मुझे ऑक्शन में उतरना है, मुझे ऑक्शन में जाना है, तो उसके वजह से बेंगलुरु बुल्स ने उनको रिलीज़ किया। और जैसे वो रिलीज़ हुए सीजन 9 में ऑक्शन में जितनी भी फ्रेंचाइजी थी सभी ने उनको ट्राई किया, उनकी प्राइस बढ़ते बढ़ते 2,26,00,000 हो गई। तामिल तलावाज ने उनको 2,26,00,000 में ख़रीदा, लेकिन तामिल तलावाज एंड पवन सेहरावत का बहुत बड़ा बैड लक था क्योंकि सीजन 9 की फर्स्ट मैच खेलते हुए पवन सेहरावत को इंजरी हो गई और उस इंजरी के वजह से पूरा सीज़न वो बाहर हो गए, पूरा सीज़न वो खेले ही नहीं तामिल तलावाज के लिए। लेकिन पवन सेहरावत ने एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप में कमबैक किया, इंडिया के कैप्टन थे, इंडिया को बहुत बड़ी जीत दिलाई ईरान के सामने और बहुत ही ज़बरदस्त खेले एज ए इंडिविजुअल प्लेयर, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने रेड लगाई। तो बहुत अच्छे फॉर्म में है पवन सेहरावत, लास्ट सीज़न वो ज़्यादा मैचेस खेले नहीं इसलिए वो कैटेगरी बी में आ गए हैं। तो फ्रेंड्स सीज़न 9 के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे पवन सेहरावत और सीज़न 1 से लेके सीज़न 8 तक जितनी प्राइस किसी प्रो कबड्डी प्लेयर को नहीं मिली वो पवन सेहरावत को मिली 2,26,00,000। तो फ्रेंड्स अभी सीज़न 10 आने वाला है, सीज़न 10 का ऑक्शन होने वाला है, तो ऑक्शन में हमको पता चलेगा कि सीज़न 10 में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन होगा, किस पे ज़्यादा बोली लगेगी, क्योंकि सीज़न 10 में पर्स की जो वैल्यू थी वो भी बढ़ गई है। इसके पहले सीज़न 9 में जो पर्स वैल्यू थी वो थी 4,50,00,000, लेकिन सीज़न 10 के लिए पर्स की वैल्यू बढ़ा दी गई है, वो हो गई है 5 करोड़। तो सीज़न 10 में ऐसा हो सकता है कौन सा कबड्डी प्लेयर 2,50,00,000 से भी ऊपर जा सकता है, 3 करोड़ भी क्रॉस कर सकता है। जिस फ्रेंचाइजी के पास ज़्यादा प्राइज मनी होगी वो ज़्यादा बोली लगाई, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कबड्डी प्लेयर इस बार ऑक्शन में है। पवन शरद ऑक्शन में है, मनिंदर सिंह ऑक्शन में है, दीपक निवास हुड्डा ऑक्शन में, तो बड़े बड़े कबड्डी प्लेयर ऑक्शन में है। तो देखते हैं क्या होता है सीज़न 10 में, कौन सा प्लेयर अब तक का रिकॉर्ड था पवन शरद का 2,26,00,000 उसको तोड़ता है, या पवन शरद खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ देते इस साल 2,26,00,000 से भी ज़्यादा लेते, ये सीज़न 10 के ऑक्शन में पता चलेगा। सीज़न 10 का ऑक्शन होने वाला है 9th and 10th October को मुंबई में, तब पता चलेगा कौन सा प्लेयर कौन सी टीम में जाता है। तो फ्रेंड्स आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर इस बार रिकॉर्ड तोड़ेगा, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, वो रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए क्या, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बड़ी किसी टूर्नामेंट का अपडेट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।